हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार चुनाव का आज सेकंड चरण का चुनाव है। 94 सीटों पर 17 जिलों की वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इस बीच एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान आया, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। कोई और जाति या धर्म है तो मैं चाहूंगा कि बिहारी बनकर हर कोई मतदान में भारी से भारी संख्या में अपनी भागीदारी दे। लेकिन जेडीयू तो कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप वोट कटवाओ, कुछ नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई पकड़ नहीं, उनको नोटिस ही नहीं ले रहे हो। चिराग पासवान, देखिए नोटिस लेने की आपको जरूरत नहीं है। बिहार की जनता बहुत नोटिस ले रही है और आपने क्योंकि बिहार की जनता का नोटिस नहीं लिया पिछले 5 साल में खासतौर पर, यही कारण है कि आज बिहार की जनता ने आपको हाशिए पर डाल दिया। पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा तो मुख्यमंत्री क्या चीज है। बड़े बड़े लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया उनके अहंकार की वजह से। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार के स्वरूप के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, आप मुझे बताएं ना कि आपके अगले 5 साल का रोड मैप क्या है। आज तक मुख्यमंत्री ने, आज जब दूसरे फेज की शुरुआत पर हम लोग बैठे हैं, बिहारी होने के नाते मुझे अभी तक नहीं पता कि भैया अगर कल को बाढ़ आएगी दोबारा मेरे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, या बेरोजगारी हटाने के लिए मेरे मुख्यमंत्री क्या करेंगे। 7 निश्चय पार्टी तो आप लेकर आ गए, पर आप बताएं तो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए उनको वापस प्रदेश में रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप है नहीं। और जिस तो 40 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान सीधे हमलावर होते हुए नीतीश कुमार पर